HFCL की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में हमको 2% के ऊपर की गिरावट के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 126.49 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हालांकि मार्केट में भी गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है, आज के दिन मार्केट में भी सेलिंग ही देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हैं इससे पहले जिस सपोर्ट से जंप आया था HFCL में, अभी उसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न को देखें तो लगातार गिरावट, जंप पर रिजेक्शन, रिजेक्शन पर लो ब्रेकडाउन करते नज़र आ रहा है। इस वक्त फ़िलहाल अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लेकिन स्टॉक है ओवरऑल गिरावट में, लगातार गिरावट दिखा रहा है। जंप तो स्टॉक में आ रहा है लेकिन जंप पे ना ही सस्टेन हो रहा है और ना ही अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है, तो गिरावट में बन रहा है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इस सपोर्ट को यानी 128 के सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर सकता है, ब्रेकडाउन भी किया स्टॉक ने, और इसके ब्रेकडाउन के बाद हमने डिस्कस किया था कि 124 और 120 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है। तो इस वक्त 120 के आसपास ही स्टॉक हमको काम करता नज़र आ रहा है, लेकिन स्टॉक ने जंप के बाद रिजेक्शन लिया है तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सपोर्ट ब्रेकडाउन कर सकता है। इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर गया तो 124 इमीडिएट सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट रहेगा 120 का लेवल। अगर यहाँ तक की गिरावट आती है, 120-122 तक का भी फॉल स्टॉक दिखाता है तो HFCL में यहाँ एक अच्छा मौका बन सकता है, 120 के आसपास से रिकवरी के चांस बनेंगे। जैसे 118-120 इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इस लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फिर बड़ी गिरावट स्टॉक दिखा सकता है, यहाँ से फिर लगातार गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर स्टॉक में जंप आता है, रिकवरी आती है, तो देख सकते हैं हम स्टॉक ने कहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, जो रिजेक्शन लिया ऑलमोस्ट 132 का लेवल ही है। इस लेवल को जब तक ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता 132 का लेवल, यानी स्टॉक को बाउंस बैक के साथ 132 के लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इसके ऊपर सस्टेन हो गया 132 के ऊपर तो वैसी सिचुएशन में फिर अपसाइड के चांस बनेंगे। फिर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 140 का लेवल, और मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 144 के लेवल पर, जहां से रिजेक्शन के बाद बड़ी गिरावट आई थी। तो 144 के लेवल का ब्रेकआउट मतलब फिर क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल, लेकिन फिलहाल स्टॉक गिरावट में है तो इस पर नज़र रखकर चलना ठीक रहेगा। फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा, क्योंकि यहां से और गिरावट 120 यानी 118-120 तक का भी फॉल HFCL दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।